फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सिंपल इंग्लिश। सो टुडेज ग्रामर टॉपिक इज अगेन ऑन आर्टिकल्स। लास्ट क्लास वी डिड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेट आर्टिकल। सो व्हाट इज योर डेफिनेट आर्टिकल? योर डेफिनेट आर्टिकल इज द। फ्रेंड्स, देर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन व्हेन टू यूज दिस आर्टिकल इन अ सेंटेंस। एक्चुअली द इज यूज वेरी फ्रिक्वेंटली इन सेंटेंसेस, लेकिन बहुत जनों को कंफ्यूजन होता है कि कब लगाना है, क्यों लगाना है, कैसे लगाना है। तो ये जो आर्टिकल है द, उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ आर्टिकल द, वी शुड नो थ्री कंडीशंस। एक्चुअली देर आर मेनी कंडीशंस, लेकिन अगर हम ये तीन कंडीशंस समझ ले तो हमें द का यूज अच्छी तरह समझ में आएगा। सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ऑफ यूजिंग द, ओके, आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन वी talk about an important person, place, animal or thing, okay? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट कंडीशन का एक्सप्लेनेशन क्या है? आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट एन इम्पोर्टेंट पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। हु इज योर इम्पोर्टेंट पर्सन? लेट्स से प्राइम मिनिस्टर। सो आई विल से द प्राइम मिनिस्टर gave a speech. Okay, I use the before prime minister. Why? Because prime minister is an important person. Okay, so I have used the. According to this rule, the is used when we talk about an important person, place, animal or thing. So prime minister is an important person. Now let us look at place. Next sentence, the University of California is famous. The University of California is famous. This is a very famous university. I'm talking about an important place. And so I have put the article the before this noun. Okay. Now let us look at important animal. Simple. The lion is king of all animals. The lion is king of all animals. Lion, सबको मालूम है, जंगल का राजा है. Important animal. The lion. Let us look at important thing. The Rajdhani Express is a very fast train. Important thing. Rajdhani Express, सबको मालूम है नाम. Okay, so these are the examples of important person, place, animal and thing. So this was your first condition. Now let us look at the second condition. Okay, second condition, article the is used when we talk about something
that is only one in the whole world. Article the is used when we talk about something that is only one in the whole world, yani jo unique hai, jiska koi duplicate nahi hai. Unique. Okay, so ऐसी कौन सी चीज है इस दुनिया में जो सिर्फ एक है? The sun, the moon, the stars, the earth, इसका कोई duplicate नहीं है. They are unique. Okay, so let us see the sentences. For example, the sun is a star. The sun. क्यों? Because sun is unique. There is no duplicate of this. Okay, so the sun is a star. The earth is a planet. Okay, there is no duplicate. ये सब unique है. दुनिया में सिर्फ एक ही है. So this is your second condition where the is used. Please take it down. Okay, now let us look at the third condition where we have to use the. Article the is used when we talk about something or someone repeatedly. Article the is used when we talk about something or someone repeatedly. Repeatedly yani बार बार. अगर मैंने आपको किसी के बारे में बताया हो, यानि मुझे और आपको उसके बारे में मालूम है, तो उस व्यक्ति या उस चीज के बारे में अगर मैं दोबारा कुछ कहती हूँ तो उसके पहले आर्टिकल द आएगा. ओके, आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग और समवन रिपीटेडली. फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल देखो, अगर मुझे कहना है कि गार्डन में एक लेडी है तो मैं कैसे लिखूंगी? देयर इज ए लेडी इन द पार्क. ओके, ये मैंने पहली बार आपको किसी के बारे में बताया. देयर इज अ लेडी इन द पार्क. पार्क में एक लेडी है. आई एम यूजिंग द आर्टिकल ए ओवर हियर. ए इज ए इज इनडेफिनेट आर्टिकल. ओके, नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग मोर अबाउट दिस लेडी. इस पर्टिकुलर लेडी के बारे में मुझे और भी कुछ आपको बताना है. अभी पार्क में और भी दूसरे लेडीज है, लेकिन उन लोगों के बारे में नहीं कुछ बोलना है. ये पर्टिकुलर लेडी जिसके बारे में मैंने आपको बताया. सो द स्पीकर, आई एम द स्पीकर एंड यू आर द लिसनर. सो व्हेन द स्पीकर एंड द लिसनर नोज अबाउट द पर्सन और द थिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, देन वी विल यूज द आर्टिकल द बिफोर दैट पर्सन और थिंग. सो अगर मुझे इस लेडी के बारे में और कुछ आपसे कहना है तो मैं कैसे लिखूंगी? द lady is crying. वो लेडी रो रही है. नाउ कौन सी लेडी? पार्क में और भी बहुत लेडीज है, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूं. मैं उसी लेडी के बारे में बात कर रही हूं जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया. जैसे कि ये सेंटेंस में देर इज अ लेडी इन द पार्क. अभी उसी लेडी के बारे में मैं फिर से रिपीटेडली बात कर रही हूं, तब मैं उस नाउन के पहले द लगाऊंगी. ओके, so according to the condition, article the is used when we talk about something or someone repeatedly. The speaker and the listener knows about that person or that thing. Tab main the lagaungi. Okay, I hope this is clear. There are other conditions also, but we will not go into much details. Ye teen conditions enough hai the ka use samajhne ke liye. सो फ्रेंड्स, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो या आपको कुछ डाउट्स है इस टॉपिक के ऊपर, तो आप जरूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं.